अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो चलिए आज का ब्लॉग स्टार्ट करते हैं। तो गाइस अभी सुबह का 5 बज रहा है और मैं नमाज़ वगैरह पढ़ चुकी हूँ और मैं सोच रही हूँ कि सुबह का सारा काम कर लेती हूँ। तो गाइस सबसे पहले मैं बर्तन धो लेती हूँ क्योंकि कल रात में मैं बर्तन नहीं धो पाई थी क्योंकि बहुत ज़्यादा लेट हो गया था। तो चलिए मैं आज बर्तन धो लेती हूँ सबसे पहले। ये देखिए गाइस, सारे बर्तन को मैं अच्छे से धो ली हूँ और सभी बर्तनों को मैं स्टैंड में रख देती हूँ। और गाइस आज का वीडियो पूरा ज़रूर देखिएगा, बहुत ही खास है। ये देखिए गाइस, मैं सुबह का सारा काम कर चुकी हूँ और नाश्ता वगैरह भी हो गया है। और मैं नाश्ते में आज रोटी और आलू का सब्जी बनाई, बहुत ही टेस्टी बना था। देखिए गाइस, ये है मेरा छोटा सा रूम और आज मैं अपने सिंपल से रूम को सजाने वाली हूँ। तो चलिए गाइस सबसे पहले रूम का सारा सामान को बाहर निकाल लेते हैं। तो ये देखिए गाइस, मैं अपने रूम का सारा सामान को बाहर निकाल चुकी हूँ और आप देख सकते हैं गाइस अभी मेरा रूम कितना सिंपल दिख रहा है। तो चलिए गाइस अभी सिंपल से रूम को सजाना शुरू करते हैं। और ये देखिए, मैं छज्जे पे चढ़ने के लिए सीढ़ी भी ले आई हूँ और ये सीढ़ी भी बहुत ज़्यादा कमजोर टूट जाए बट वैसा कुछ नहीं हुआ। और देखिए मैं अच्छे से छज्जे ऊपर भी चहक गई। और ये देखिए गाइस, ये है ब्लू कलर और आज मैं अपने दीवार पे ब्लू कलर से डिजाइन करने वाली हूँ। मैंने इससे पहले काफ़ी सारे कलर्स चूज़ किए थे लेकिन बहुत सारे कलर सोचते सोचते मेरा माइंड बहुत कंफ्यूज हो गया था और फिर मैंने लास्ट में ब्लू कलर ही चूज़ किया क्योंकि ब्लू और वाइट का कॉम्बिनेशन बहुत ही अच्छा लगता है। तो ये देखिए, मैं अपने दीवार पर डिजाइन बनाना शुरू कर दी हूँ। ब्लू और वाइट कलर कितना अच्छा लग रहा है। तो ये देखिए गाइस, मैं अपने दीवार पे एक डिजाइन कर चुकी हूँ और इसी तरीके से मैं पूरे दीवार पे डिजाइन बनाऊंगी। और गाइस इस डिजाइन को बनाते बनाते मुझे सुबह से करते करते रात हो गया और काफी ज्यादा मेहनत लगा मुझे मेरे रूम को सजाने में। लेकिन गाइस लास्ट में जो रिजल्ट निकल के आया वो बहुत ही अमेजिंग था और मुझे बहुत ही ज्यादा खुशी हुई अपने रूम को देख के। और आपको भी बहुत अच्छा लगेगा तो वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। तो गाइस आज जो मैं अपने रूम को सजा रही हूँ वो मेरी अम्मी को नहीं पता है क्योंकि गाइस मेरी अम्मी सुबह सुबह ही हमारे रिश्तेदार के यहाँ आज मंगनी था, वहीं चली गई हैं। लड़की वाले देखने आ रहे थे लड़के को तो वहीं बुलाए थे तो चली गई। और मैं सोच रही थी कि मेरी अम्मी के आने से पहले ही मैं अपने रूम को सजा कर रेडी कर दूँ, फिर उसके बाद मेरी अम्मी को सरप्राइज दूंगी। लेकिन गाइस जैसे मैं सोच रही थी वैसे कुछ नहीं हो पाया। मेरी अम्मी तो रूम सजने से पहले ही घर आ गई थी और गाइस उस टाइम मेरा रूम आधा ही सज पाया था। और जब रूम को देखी मेरी अम्मी तो एकदम खुश हो गई थी। मेरी अम्मी को यकीन ही नहीं हो रहा था कि इसको मैं बनाई हूँ। और ये देखिए गाइस, मेरा ऊपर का डिजाइन बन के पूरा तैयार हो गया है और बैठे बैठे पैर भी बहुत ज्यादा दर्द कर रहा है तो चलिए नीचे उतर जाती हूँ। तो ये देखिए गाइस, आप चलिए नीचे का भी डिजाइन बना लेते हैं। और गाइस अभी मेरा रूम आधा ही सजा है, आप लोग को कैसा लग रहा है कमेंट में जरूर बताइएगा। और गाइस जब मेरा रूम पूरा सज जाएगा तो और भी अच्छा लगेगा। तो आप वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। तो चलिए अब नीचे का भी जल्दी से बना लेते हैं। तो
तो ये देखिए गाइस, डिज़ाइन बनाते बनाते मेरे पास कलर भी ख़त्म हो गया है और थोड़ा सा ही मेरे पास कलर बचा है, तो मेरे को डर लग रहा है कि इस रूम में हो पाएगा या नहीं। तो चलिए गाइस, देखते हैं इतना कलर में मेरा रूम सज पाएगा या नहीं। और ये देखिए, मेरा ये दीवार भी लगभग हो ही चुका है। और ये देखिए गाइस, डिज़ाइन बनाते बनाते मेरे हाथों में बहुत ज़्यादा दर्द भी हो गया, तो मैं सोच रही हूँ कि थोड़ा सा आराम कर लेती हूँ। आराम करने के बाद फिर से काम में लग जाऊंगी। तो ये देखिए गाइस, फिर से मैं अपने कमजोर सीढ़ी पे चहक चुकी और मुझे ऊपर का डिजाइन बनाने में काफी मुश्किल हुआ, लेकिन जैसे तैसे करके मैंने ऊपर का डिजाइन बना ही लिया। और गाइस, ये मेरा लास्ट दीवार बचा है, इसको जल्दी से कंप्लीट करके फिर मैं आपको दिखाऊंगी। और गाइस, आप मुझे देखकर बताना कि मेरा रूम आपको कैसा लगा। आप सभी अपना ख्याल रखिएगा, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़, बाय।